शेष आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल में नए देखिए, यहाँ पर सब्सक्राइब का लाल बटन है और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे। आइए आज हम आगे बढ़ते हैं। जिस स्टॉक है, जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है सांवरिया कंज्यूमर लिमिटेड और उसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट आ चुके हैं। तो एक न्यूज़ है यहाँ पर जो मैं पढ़ा देता हूँ कि क्या कैसे रहा इनका एनुअल। सांवरिया कंज्यूमर स्टैंडर्ड और मार्च 2019 नेट सेल्स एट ₹1515, मतलब 1515 करोड़ की अपसाइड, जो कि 7.2% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। बहुत अच्छी बात है। आइए नेट सेल्स जहां 1515 करोड़ की 2019 में हुई, वहीं 2018 में 1414 करोड़ की थी। और क्वार्टरली नेट प्रॉफिट एट 40 करोड़ 11 लाख जहां 2019 में आई है, वहीं पे 35 करोड़ 70 लाख मार्च 18 में थी। यहां पे भी अपसाइड है। EBITDA stands at ₹72.91 करोड़ इन मार्च 2019, जो कि ये भी अपसाइड है 11.38% फ्रॉम 65.46 करोड़ इन मार्च 2018। तो 2018 के मुकाबले यहाँ पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। और सांवरिया कंज्यूमर EPS अर्निंग पर शेयर हैज़ इंक्रीज्ड टू ₹0.54 इन मार्च 2019 फ्रॉम ₹0.48 इन मार्च 2018। जहाँ 2018 में 48 पैसे पर अर्निंग पर शेयर थी, वहीं से थोड़ी सी इंक्रीज होते हुए 54 पैसे पर शेयर हो गई है 2019 में। सांवरिया कंज्यूमर शेयर क्लोज्ड एट 8.80 ऑन अप्रैल 26, 2019 ऑन NSE एंड हैज़ गिवन नेगेटिव रिटर्न्स, मतलब जो 6 महीने में ओवर द लास्ट 6 मंथ्स 23% के आसपास इन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिए और 12 मंथ में, करीब एक साल में, इन्होंने 54.05% यानी कि 54% के आसपास इन्होंने नेगेटिव में रिटर्न है। जिन्होंने भी पैसे लगाए थे उनका पैसा आधा हो गया है, इनका ये कहने का मतलब है। ये देखिए यहाँ पे पूरा इनका रिजल्ट है, क्वार्टर रिजल्ट स्टैंड अलोन का। और जैसे कि मैंने पढ़ दिया नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट, बेसिक चीज़ें। आइए आगे बढ़ते हैं, कंपनी क्या करती है ज़रा मोटा मोटी एक नज़र मार लेते हैं। सांवरिया कंज्यूमर लिमिटेड, और देखिए यहाँ पे ये इन्वॉल्व है कई प्रोडक्ट्स में, राइस, दाल, एडिबल ऑयल, शुगर, दलिया, मैदा, सूजी, बेसन, पोहा, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको आपके आसपास ही सुपरमार्केट या मॉल्स पे अवेलेबल हैं। प्रोडक्ट्स इनके ज़बरदस्त अच्छे हैं, आप भी यूज़ करते होंगे। देखिए बेहतरीन बेहतरीन यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं इनके, तो आप समझ गए होंगे। और इसमें कमी क्या है, इसका भाव क्या है, इसका प्राइस अभी करंट क्या है, आइए देख लेते हैं। हाँ, सांवरिया कंज्यूमर लिमिटेड अप्रैल 30, आज 1 मई है, आज मार्केट बंद है क्योंकि आज मजदूर दिवस है, महाराष्ट्र डे। और अप्रैल 30 को जो 4 बजे की इनकी क्लोजिंग प्राइस थी ₹8.62, 18 पैसे की डाउन साइड पर BSE पे, और 52 वीक लो था इनका ₹7.60 और हाई था ₹19.90, 52 वीक हाई। एक साल के चार्ट में देखिए यहाँ पे हाई जो ₹19.90 बनाया, और लगातार खैर इनका ये ऐसा पैटर्न ज़बरदस्त एक साथ गिरावट नहीं देखी गई, धीरे 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 नीचे की ओर आते गए, फिर बाउंस बैक भी करता गया, इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर उठता गया। तो जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स या निवेशक जिन्हें कह लें, उनके लिए तो ठीक था, लेकिन जिन्होंने एक बार यहाँ पे पैसे निवेश कर दिए तो उनके लिए यहाँ पे ज़बरदस्त लॉस है, लगातार यहाँ पे गिरावट है। और आज का भाव है ₹8.62 ऑन BSE। 86% कह रहे हैं सेंटिमेंट में कि बाय कर लीजिए, और 14% कह रहे हैं सेल इट। मार्केट कैप है 634 करोड़ का मार्केट कैप, याद रखिएगा। अब इनका नेट डेट भी देखें कितना, EPS यहाँ पे देखिए 2.09 स्टैंड, जबकि हमने वहाँ जो न्यूज़ में बताया तो वो एग्जैक्टली है, अभी अपडेट शायद नहीं हुआ होगा, या आई डोंट नो किस प्रकार से यहाँ पे EPS लिखा हुआ इनका। और बुक वैल्यू 6.21, जहाँ प्राइस बुक है 1.39 का, और इंडस्ट्री पी है 13 की, और इंडस्ट्री पी से अभी भी काफ़ी सस्ते में, डिलीवरेबल है 54.94% की, और फेस वैल्यू है 1 की। हाँ, अब इसमें एक बहुत बड़ी जो कमी है वो ये है कि एक तो इनके जो 19 में जो क्वार्टर में, देखिए क्वार्टरली जो 18 दिसंबर में जहाँ 42 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी, वहीं मार्च 19 के क्वार्टर में हो गई Q4 में 40 करोड़, मतलब 2 करोड़ के आसपास, 2.5 करोड़ के आसपास लॉस है।
और टोटल डेट जो है 990 करोड़ का है, जबकि इनका टोटल कंपनी की जो वैल्यू है या औकात है, जो इनका कैपिटल है, वो 634 करोड़। तो अपने औकात के हिसाब से उन्होंने ज़्यादा कर्जा ले रखा है, तो आप समझ सकते हैं कि इनको किस प्रकार से इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ता होगा, लेनदारों को कैसे देना होता होगा। और एवरेज कंपनी, एवरेज क्वालिटी कंपनी है एज़ पर मैनेजमेंट। और सेल्स ग्रोथ देखिए 18.64% की, EBIT ग्रोथ इज़ ऑल्सो 28.05% की, और नेट डेट टू इक्विटी 2.21% की, जो कि एक से नीचे होना चाहिए और ज़्यादा है। और वैल्यूएशन पे अभी हम देखते हैं तो फेयर वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो ये ठीक है। अभी ROC है 10.03 का और ROE है इसका 31.12% का, तो दोनों अट्रैक्टिव। ROE लुक्स अट्रैक्टिव। फाइनेंशियल ट्रेंड अभी यहाँ पे पॉजिटिव है, स्कोर है 7। और रिटर्न तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये देखिए 1 साल में 54% का और करीब 6 महीने में 25% का नेगेटिव में दोनों हैं, 10 सालों में 30% का नेगेटिव, लेकिन हाँ 5 सालों में इन्होंने 132% का रिटर्न दिया है पॉजिटिव, और 4 ईयर में यहाँ 182% का अच्छा है, 3 सालों में 207 का भी अच्छा है, और 2 सालों में 33% का है, ये थोड़ा सा कम है, लेकिन 1 साल से यहाँ पे लगातार नेगेटिव में रिटर्न है। एक कमी हम लोग देख चुके हैं कि वहाँ डेट बहुत था, और दूसरी कमी हमें देखिए यहाँ पे फिर दिख गई, प्रमोटर्स के पास 64.05% की शेयर होल्डिंग है, जो स्टेक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 15.53% इन्होंने गिरवी रखी हुई है। अब जो गिरवी रखे होते, धीरे धीरे ये थोड़ा सा क्या कहें, अभी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे 26.74 की, लेकिन FIIs भी इसमें, एक FIIs हैं और म्यूचुअल फंड्स 0 इसके। तो फ्रेंड्स, मुझे लगा कि आपको इस स्टॉक और कंपनी के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं 8.62, क्योंकि जो 8 रुपये 62 पैसे का स्टॉक है, क्या आगे अच्छा रिटर्न दे पाएगा, क्योंकि लगातार पिछले 1 साल से नेगेटिव में रिटर्न दे रहा है और गिरता ही जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा, चूँकि मैं छोटे स्टॉक प्राइस का कभी रिकमेंड नहीं करता, जिन कंपनियों पर ज़्यादा कर्जा हो, और तो अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। मैं इसमें घुसने की सलाह नहीं दूंगा, जो नए निवेशक हैं, बाकी जो लोग बने हुए हैं तो वो वेट कर सकते हैं, हो सकता है कि कुछ अच्छा इसमें रैली में, जब मार्केट की रैली हो आफ्टर इलेक्शन, तो सभी स्टॉक्स अच्छा करें, तो हो सकता है ये भी कुछ अच्छा करें। इस उम्मीद के साथ मैं यहीं पे वीडियो वाइंड अप करना चाहूँगा। और फ्रेंड्स, एक हमारा डिस्क्लेमर है कि कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर मशवरा कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।